नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। 1 जुलाई 2023 के दिन वन महोत्सव के अवसर पर गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट द्वारा नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल आलो में वृक्षारोपण का एक नायाब कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर 31 आलो स्थित विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट केंतो जिन मुख्य अतिथि, तुम्मे आमो IPS सम्मानित अतिथि एवं पंगा तत्व डिप्टी कमिश्नर और जुमदोगोई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आलो विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम अतिथियों समेत स्कूल प्रशासन और विद्यार्थियों ने भी स्कूल परिसर में पौधा लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए वन महोत्सव मनाया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक केंतो जिनी ने पहले तो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के इस कदम की सराहना की, फिर छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए ड्रग्स और अन्य नशेबाजी से युवाओं को दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी। आइए इस कार्यक्रम की चंद झलकियां देखते हैं। This program is being initiated and organized by Galo Youth Organization West Siang District Unit. I would like to appreciate GYO. Congress appreciation बहुत important है। इस उपलक्ष में मैं student organization, student unions को मैं appeal गुजारिश करना चाहूंगा कि आप student हैं, you are the future of our backbone, our society as well as of the country. तो आप ठीक होंगे तो हमारा सोसाइटी भी कल ठीक होगा। आप ठीक नहीं होगा तो हमारा कल का जिंदगी, कल का सोसाइटी, कल का नेशन खराब होगा। इसीलिए मैं आप सबको ये विनती करता हूँ, आप यहाँ आया है एजुकेशन टेम्पल में लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। आप इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नॉलेज मीन्स पावर, powers mean everything. Be sincere and loyal to your parents. यहाँ पढ़ाई करेगा बोल के पेरेंट्स को बोल के आया, दिन भर यहाँ स्कूल नहीं आएगा, घूमते रहेगा, शाम को फिर स्कूल बैग लेके वापस जाने से वो आपका जिंदगी धूम होगा। Don't tell lie to your parents. Say तीन बार, say no to drugs. जोर से बोलो, say इपड़ी ना वजह अच्छे से फूलो फलो और हम लोग को अच्छे से छाया दो और ऑक्सीजन दे दो। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले आपको फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए सर, और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे आज के इस मौके पे? थैंक यू फ्रीडम न्यूज, आपका तहे दिल से धन्यवाद है ये बात के लिए। आज का ये जो प्रोग्राम था, हम जितने भी यहाँ आलो के स्कूल है, कंपाउंड है और यहाँ फील्ड है, इसमें पौधा लगाने की हम लोग का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग का केंतो जीनी सर MLA, HMLA और DC, हम लोग का वेस्ट सियांग का DC और DFO सभी ने आया, भाग लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग का ये एक प्रोग्राम इसको रखने का कारण ये है कि हम लोग ये फील्ड आप खुद ही देख सकते हैं कि नेहरू फील्ड भी प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं है और बिल्कुल छाया भी नहीं है। और एवरी स्कूल ऑफ एंटर आलो हम लोग एक बार हम लोग सर्वे किया था और कहीं में भी अच्छा मतलब छाया नहीं है। और जैसे आपको हायर फील्ड का स्कूल फील्ड को भी देखने से वहाँ कोई छाया नहीं है, तो ऐसे करके। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि हमारे वातावरण के लिए हमने एनवायरनमेंट के लिए ये सोच, ये प्रोग्राम हमने रखा है, ताकि आने वाले फिर भी अच्छे ढंग से
सांस ले सके। और यहाँ में जितना अगर टूर्नामेंट होता है या स्कूल वीक होता है तो यहाँ में जितने भी यहाँ दर्शक आते हैं वहाँ छाया का, पैर की छाया का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। इसी कारण हमने ये प्रोग्राम रखा है और हम आलो को और आगे सुंदरता की ओर ले जाने की कोशिश में हैं। सर, आज वन महोत्सव का दिन है और इस अवसर पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पौधा लगाने का कार्यक्रम जो है किया है। अब बारी है इन पौधों का ख्याल रखने का, तो आप स्कूल फ्रेटर्निटी, स्कूल स्टूडेंट से आज जो पौधा लगाया है इसको किस तरह से ख्याल मेंटेन करके रखा जाए, साथ ही प्रिजर्वेशन ऑफ जंगल कितना महत्व रखता है हमारे लाइफ में, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि इसमें जो अभी पौधा लगाया गया है उन लोगों को, जितने भी यहाँ अगर आज नेहरू में लगाया है तो नेहरू स्टूडेंट्स को मैं यही दरख्वाइश करना चाहूँगा कि यहाँ का नर्चरिंग वो लोग सही ढंग से करें, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे बना के जाएंगे कि सुरक्षित, जैसे बेरा और आपका पेंचिंग जितना भी है हम लोग आज यहाँ अच्छा से लगा के जाएंगे। और रही बात इसकी, तो आप खुद देख सकते हैं कि देखते ही देखते पानी भी कम हो रहा है, एनवायरनमेंट इफेक्ट बहुत हो रहा है। तो हम लोग सभी आपकी दर्शक से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जीवन में कम से कम आप 50 पौधा लगाएं कि आने वाला फेरी भी बहुत ही शांत द्वारा जिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।